नागिन का दौर चल रहा है टीवी पे ऐसा लग रहा है, और भाभी जी के घर को भी नहीं छोड़ा है नाग नागिन ने, आ गए दोनों नाग और नागिन यहाँ पे। अचानक से नाग तो बहुत दिन से दिख रहे थे, नागिन कहाँ से प्रकट हो गई है आज? ऐसे ही होता है, नाग को मजा चखाने के लिए नागिन की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली इन्हें पिछले जन्म की एक कथा याद आ गई मुझे, दीवार को देखकर अचानक इनके अंदर नागिन जाग उठी, और इनका जो मैं एक्चुअली बंटी था ना मैं जी, एक्चुअली पिछले जन्म में मेरे नाग बंटी थे जी, और ये मैं पूरी उम्मीद में थी कि कभी बंटी पुनर्जन्म लेगा, और बंटी ने जन्म ले लिया और हमारी एस तिवारी भी इच्छा पूरी हो गई कि चलो पिछले जन्म का ये सिलसिला चला आ रहा है और आगे अनेक जन्मों तक और चलेगा। अच्छा, अगर अटायर की बात करें ये तो आ गए हैं, लेकिन आज सौम्या जी आप मतलब अलग ही कहर खा रही हैं नागिन बन के। गाना एक याद आ रहा है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा, ये दोनों दुश्मन एकदम से हो गए ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ये मैंने बताया ना, ये तो मेरे पिछले जन्म के साथी नाग हैं, जन्म के साथी नाग तो ये नाग हैं और मैं नागिन हूँ, लेकिन हाँ ये गेटअप जरूर उस फिल्म से इंस्पायर्ड है, और श्रीदेवी का गेटअप हुआ करता था तो उसी से काफी कुछ मिलता जुलता है ये। अच्छा, अगर अटायर की बात करें आपको, तो आपको कितना पसंद आया आपका खुद का लुक? आज बहुत पसंद आया, कुछ अलग करके मिला है आपको? नहीं, हमेशा ही मज़ा आता है कुछ ना कुछ अलग करने में, और रोज़मर्रा के लुक से कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलता है, लोगों को भी एक मोनोटनी से ब्रेक मिल जाता है, और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। हमने पिछले हफ्ते मैंने लड़के का लुक किया था, उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया था। आई एंजॉय दीज लुक्स। तो कुछ सबसे फेवरेट एक्सेसरीज बोले अगर आपके आज के नागिन लुक में, तो आपको क्या पसंद आई है? आई थिंक द हेड गियर, ये बहुत अच्छा है, इट्स फन, इट्स इंटरेस्टिंग। ये जो है ना हेयर बैंड में जो नाग लगा हुआ है, इट्स डिफरेंट, क्योंकि बाकी सब तो ज्वेलरी और वो हम किसी भी गेटअप में पहन सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट। और इनके गेटअप में क्या पसंद है? इनका भी ये जो लहराता हुआ हेड गियर, जो ये इनका पर्सनल टच है, जितेंद्र के लुक को इन्होंने कॉपी किया है, लेकिन ये इनका पर्सनल टच है। अच्छा, लास्टली नाग और नागिन साथ में है, तो एक छोटा सा स्टेप या फिर गाना तो बनता है? ओह माय गॉड, गाना गाइए, चलिए थोड़ा सा हाथ से स्टेप नाग के जैसा कुछ तो बनता है। आप बताइए कोई भी, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा वही गाना, लेकिन ये सब बोले थोड़ी ना है। मैं तेरी दुश्मन, मुझे आता ही नहीं गाना एक्चुअली, ये फिल्म में मैंने ऑनेस्टली देखी नहीं है। आपको कुछ याद आ रहा है? हमें तो वही आता है, तन डोने।